नमस्कार दोस्तों, पौनवाईगढ़ में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर, और वेक्टर में आज हम कर रहे हैं अपना अगला पार्ट एक्सरसाइज 5.4 का। दोस्तों, एक्सरसाइज 5.4 के हमारे प्रीवियस क्वेश्चंस हो गए हैं, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। 16 में दो सब क्वेश्चन है और फिर उसके बाद में 17 और उसके बाद में 18, तो ऐसा कुल मिला के अब तीन ही क्वेश्चन बचे हुए हैं और तीनों के तीनों क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, मतलब आपको किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम में आने वाला नहीं है। ठीक है, क्या देख रखे क्वेश्चन यहां पर आपको देखने मिलेगा, दैट इज एक मिनट, यहां बताता है कि फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर परपेंडिकुलर टू द टू लाइंस हुज डायरेक्शन रेशियोज आर। ये हमको क्या करना है, हमको फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर, हमें पर्टिकुलरली उस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज निकालना है। ओके, परपेंडिकुलर टू द, ये दो लाइंस के ऊपर जो परपेंडिकुलर है और उनके डायरेक्शन रेशियोज देके रखे, उन दो लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज देके रखे। तो यहां लिखिए लेट, यहां लिखिए दैट इज लेट ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड वेक्टर, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ रिक्वायर्ड वेक्टर। ठीक है, अच्छा, अब ये जो हमको देके रखा है इससे हमको डायरेक्ट यहां पर इनके कुछ इक्वेशंस मिलेंगे। जैसे पहली लाइन के लिए देके रखे, पहले लाइन के डायरेक्शन रेशियोज देके रखे -2, 1 और -1, तो आप इसको लिख सकते हैं दैट इज -2a + b - c इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट लाइन, लेट्स से कि दो लाइन है हमारी L1 L2, ऐसी दो लाइन है ना, और उनके डायरेक्शन रेशियोज देके रखे, और दूसरे वाले के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, -3, 4, -3, -4 एंड 1, तो -3a - 4b + c इज इक्वल टू 0। आपको अब क्या करना है कि यहां पर ये जो देके रखे हैं दोनों, मतलब ये जो दो हमको यहां पर इक्वेशंस मिली है एबीसी के फॉर्म में, इनको हमको सॉल्व कर लेना है ना, बाय डिटरमिनेंट मेथड। तो क्या होगा, सिंपली है कि अगर आपको ए की वैल्यू निकालनी है, ध्यान देना ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए के कोएफिशिएंट छोड़ दो, बी और सी के लिख दो। ये क्या है, ये हो जाएगा दैट इज इस तरह से 1 - 4 और -1, 1। ठीक है, लिखते समय यहां -b लिखो, बी के छोड़ दो, -2, -3 लिखो यहां, -2, -3 और -1, 1 है ना, बहुत सिंपल सा है। फिर लिख लो सी, सी के बाद में क्या करोगे आप, इसके ए के और बी के कोएफिशिएंट लिख लो, -2, -3 और 1, -4, क्या होगा, -2, -3 और 1, -4, बस सीधे सीधे वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो ए के अपॉन में क्या आएगा, 1 - -+ -4, ये -b है, ये क्या होगा, 2 - -2, 2 - -2, देन -2 + हो जाएगा 3, और सी के अपॉन में 4 - 8, तो ये +8, -3 - 3 तो +3, ए के अपॉन में आएगा -3 = -b/-5 और c/11। अब क्या करेंगे, कैंसिल करो इसको, यहां आ जाएगा दैट इज a/3, a/-3, b/5 और c/11 है ना, हमको यहां पर ये मिल गया। तो ये जो मिले हैं हमको, ओके, ये जो मिले हैं यही हमारे डायरेक्शन रेशियोज है, सो दैट -3, 5 एंड 11 आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ रिक्वायर्ड वेक्टर, है ना, वो वेक्टर जो बचे हुए इन दो लाइंस के ऊपर परपेंडिकुलर है जिनके डायरेक्शन रेशियोज हमको देके रखे थे, है ना। बस ये बहुत बड़ा सिंपल सा है कॉन्सेप्ट, सीधा ध्यान रखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है कि किसी आपको वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज पूछे हैं जो परपेंडिकुलर है दो लाइंस के ऊपर और उनके डायरेक्शन रेशियोज आपको देके रखे, तो ये एक सिंपल सी मेथड है। हालांकि आप यहां पर एक और चीज है कि आप इनके L1 L2 के क्रॉस प्रोडक्ट से भी ये फाइंड आउट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन इसी में करना है हमको, सेकंड क्वेश्चन में क्या देके रखा है, ये 1, 3, 2 है, तो ये लाइंस बदल जाएगी यहां पर, मैं इसको इरेज कर देता हूं, है ना, मैं यहां पर इरेज कर देता हूं इसको, और यहां क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a + 3b - 2c = 0 और दूसरे वाला हो जाएगा -a + b + 2c = 0। अब हम क्या करेंगे, यहां पर रिक्वायर्ड के हिसाब से वैल्यू चेंज कर देंगे
और अपना काम हो जाएगा। ये जो भी हमने करके रखा है ना, बस यहाँ पर वैल्यू चेंज करना है और कुछ भी नहीं है ना। ये फटाफट हमको यहाँ पर आंसर्स मिल जाएंगे। देखिए क्या करते हैं, देखिए क्या करते हैं, एक मिनट रुकते, थोड़ा आवाज आ रहा बाहर से। अब देखिए यहाँ पर वही चीज करनी है। अब मैं अगर ए के नीचे लिखता हूं तो ए वाले को छोड़ दो, यहाँ पर मैं क्या करूंगा 3 1 एंड 2 2, तो 3 1 2 2 लिख दो। माइनस बी के अपॉन में क्या लिखेंगे, 1 -1 2 2 लिखो, या 1 -1 2 2। और फिर सी के अपॉन में क्या लिखेंगे, 1 -1 3 1 क्या लिखेंगे, 1 -1 और 3 1। मतलब देखो ए के अपॉन में ए वाले को छोड़ देंगे ये दोनों कोएफिशिएंट, ये दोनों कोएफिशिएंट, ठीक है, 3 1 और 2 2। बी के अपॉन में बी वाले को छोड़ देंगे ये दोनों कोएफिशिएंट, 1 -1 और ये दोनों कोएफिशिएंट। और सी के अपॉन में सी को छोड़ देंगे तो 1 -1 3 1, तो 1 -1 3 1 इस तरह से करना है। तो क्या हो जाएगा, 3 2 6 -2, फिर ये 2 1 2 माइनस माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा क्योंकि -2 आ रहा है। और सी के अपॉन में 1 और माइनस माइनस प्लस 3, तो ए के अपॉन में 4 माइनस बी के अपॉन में भी 4 और सी के अपॉन में भी 4। बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है ना, बहुत अच्छे। तो ये एक ये आ जाएगा, इसको इसको प्लस कर दो, इसको माइनस कर दो, तो यहां पर आपके डायरेक्शन रेशियोज क्या आ जाएंगे, तो डायरेक्शन रेशियोज आर, यहां पर लिखो 4 4 -4 4 4 -4 एंड 4 आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द रिक्वायर्ड वेक्टर। बहुत सिंपल क्वेश्चन बेटा, कुछ भी नहीं है, स्क्रीनशॉट लो इसका। आइए दोस्तों एक अल्टरनेट मेथड है, एक दूसरी मेथड भी है, उसको समझ लेते हैं। बहुत सिंपल सी, वो तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट आपको निकालना है, आईजे के लगाना और ये जो कोऑर्डिनेट देके रखे ये लिखना है। तो ये लिखिए रिक्वायर्ड डायरेक्शन रेशियोज। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सीधे सीधे इनके लेट से कि पहली लाइन L1 है और दूसरी लाइन L2 है, तो L1 और L2 का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा आपको। यहां आईजे के लिख दो, ठीक है ना, और ये कोऑर्डिनेट लिख दो, -2 1 1 और -2 1 -1 और -3 -4 एंड 1। अब अगर इनका आंसर आप चेक करेंगे प्रीवियस क्वेश्चन में, तो -3 5 11 ऐसा कुछ हमारा आया था, तो वही आंसर आना चाहिए। अब जब आप यहां पर बेटा इसको क्रॉस प्रोडक्ट करोगे ना, जब आप इसको क्रॉस करोगे तो आपको आंसर वही मिलेगा, आईजेके के फॉर्म में मिलेगा, तो आईजेके के जो कोएफिशिएंट्स होंगे वही डायरेक्शन रेशियोज होंगे, ठीक है। तो आई को एक काम करते हैं, आई को ऐसे रखो, ये 1 × 1 -4 × -1, देखो 1 × 1 -4 × -1 ब्रैकेट क्लोज, माइनस जे कर लो, जे के ये और ये छूट जाएगा, तो ये -2 × 1 -3 × -1, ठीक है, और प्लस का के कर लो, के कैप ये छूट जाएगा, -2 -4 और ये -3 -1 × -3, ठीक है। देखो क्या हो गया, ये आई कैप 1 1 1 -4 4 1 4, ये प्लस का हो जाएगा, दोनों माइनस के तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। माइनस जे, ये 2 1 -2 और माइनस माइनस प्लस, लेकिन 12 माइनस है तो -3 और प्लस का के कैप, ये क्या है, ये 4 2 8 माइनस 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 प्लस, ये प्लस का 3। बस बेटा हो गया, ये हो गया 1 में से 4 गया, तो -3 आई कैप माइनस, और ये -5 -5 -5 प्लस हो गया 5 j कैप + 11 k कैप, ठीक है। इस तरह से इसको करना है बेटा, बस हो गया काम, ठीक है, इस तरह से इसको करना, दैट्स इट। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। क्या देखे रखा है कि प्रूव दैट टू वेक्टर्स हुज डायरेक्शन कोसाइन्स आर गिवन बाय द रिलेशन AL + BM + CN = 0 एंड FMN GLL और HLM = 0 आर परपेंडिकुलर। ओके जी, इफ करके देखे रखा है F/A + G/B + H/C। देखो यार इस क्वेश्चन में करना क्या है, हमें इस कंडीशन पे लाना है, अगर यहां पर जो बोलता है कि टू वेक्टर्स हुज डायरेक्शन कोसाइन्स आर गिवन बाय रिलेशन आर परपेंडिकुलर, अगर हम बात करते हैं कि अगर परपेंडिकुलर है तो हम देखते थे कि दैट मीन्स अगर दो हमारे पास में ये है तो ऐसा हम कर ले कि L1 हम ऐसा कर ले कि जो कंडीशन हमको देके रखी है दैट इज L1 L2 + M1 M2 + N1 N2, ये किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है, ये किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है, लेकिन हमें ये पता है और हमको अभी ये लाना है, तो अब क्या करेंगे,
सिंपल सा तरीका, यहां आपके पास में दो रिलेशन, कौन सा वाला? पहला वाला है दैट इज ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन इज इक्वल टू जीरो, और एक जो रिलेशन है, एक रिलेशन जो है वो इस फॉर्मेट में, एक इक्वेशन वो इस फॉर्मेट में देख रखी है हमको। तो हम एग्जैक्टली करेंगे क्या, मैं इसमें से या तो मैं इसमें से m की वैल्यू निकालूंगा या n की वैल्यू निकालूंगा या l की वैल्यू निकालूंगा, किसी एक की वैल्यू में निकालता हूं, ठीक है। मैं काम करता हूं यहां से m की वैल्यू निकालता हूं, अगर मुझे m की वैल्यू यहां से निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा, मैं bm को ही रहने दूंगा, मैं bm को ही रहने दूंगा, ये हो जाएगा माइनस का ए एल माइनस का सी एन, ये क्या हो जाएगा माइनस का ए एल माइनस का सी एन। और अब अगर मुझे और इसकी जरूरत पड़ेगी, तो अगर मुझे अभी m की वैल्यू निकालना, तो m की वैल्यू क्या होगी, ये होगी माइनस में ए एल प्लस सी एन अपॉन में बी। अब ये वैल्यू उठा के मैंने क्या करना है, ये वैल्यू उठा के मैंने इस इक्वेशन में रख देना है। ये इक्वेशन क्या है, इसको इक्वेशन वन दे दो, ये इक्वेशन वन है। इक्वेशन टू क्या है, दैट इज नाउ लिखो यहां पर, नाउ दिखाई दे रहा, हाँ जी, ये हो गया एफ एम एन प्लस जी एन एल प्लस एच एल एम। अब बेटा जहां जहां पर m है, जहां जहां m है, हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट कर देते हैं इसके अंदर, तो ये हो जाएगा f का f, n का n, और ये हो गया माइनस में ए एल प्लस सी एन, है ना, ए एल प्लस सी एन अपॉन में माइनस बी प्लस जी एन एल ऐसा का ऐसा ही, उसके बाद में एच एल ऐसा का ऐसा ही, और एम की जगह अगेन माइनस ए एल प्लस सी एन, है ना, अपॉन में बी, ठीक है। मैं एक काम करता हूं, इस पार्ट को मैं उठा लेता हूं और इस पार्ट को मैं इधर लिख देता हूं इसके पास में, ठीक है, ऐसा आप इसको करेंगे। अब क्या होगा, अब देखिए, अब मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं। ये जो है यहां पर अपॉन में मैंने माइनस लगा दिया, यहां अपॉन में माइनस नहीं, प्लस है यहां पर। मैं इस एफ एन का पूरे में मल्टीप्लाई करता हूं और अपॉन का इस बी का भी मैं यहां मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है, और यहां पर इक्वल जीरो है, तो एक स्टेप करते हैं, यहां लिख लेते हैं दैट इज माइनस एफ एन और ए एल प्लस सी एन, ए एल प्लस सी एन लिख लेते हैं, और उसके बाद में इसको भी कर लेते हैं माइनस एच एल कर लेते हैं और ए एल प्लस सी एन लिख लेते हैं, ए एल प्लस सी एन कर लेते हैं, और देखो इस बी का मैं यहां मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्यों बेटा, देखो इसके अपॉन में बी है, इसके अपॉन में बी है, अगर मैं सब में बी का मल्टीप्लाई करूं तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो यहां क्या आएगा, यहां आएगा जी बी एन एल, यहां क्या आएगा जी बी एन एल, जी बी एन एल इज इक्वल टू जीरो। अब मैं इसको और सिंप्लीफाई करता हूं, ठीक है ना, मैं इसको अब और सिंप्लीफाई करता हूं, तो ये क्या होगा, देखो यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा एफ एन ए एल प्लस, ये होगा प्लस नहीं होगा माइनस होगा, माइनस एफ सी एन स्क्वेयर माइनस एच ए एल स्क्वेयर माइनस एच एल सी एन प्लस जी बी एन एल इज इक्वल टू जीरो। अब एक काम करते हैं, यहां पर इन सब में जो एल स्क्वेयर दिख रहा है आपको, एल स्क्वेयर यहां एन स्क्वेयर, मैं काम करता हूं पूरे को एन स्क्वायर से डिवाइड करते, एक काम करो, पहले एक काम करते हैं, ये निगेटिव निगेटिव निगेटिव, एक काम करते हैं निगेटिव हटा लेते हैं, तो निगेटिव हटाने के लिए क्या करते हैं, माइनस से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा एफ एन ए एल, ये हो जाएगा एफ सी एन स्क्वेयर, ये हो जाएगा एच ए एल स्क्वेयर, ये हो जाएगा एच एल सी एन, और ये हो जाएगा जी बी एन एल। ये जी बी एन एल जो होगा ना बेटा, ये जो जी बी एन एल होगा, ये जी बी एन एल जो होगा वो निगेटिव का होगा, वो किसका होगा, निगेटिव का होगा जी बी एन एल। अब क्या करेंगे, ये एल स्क्वायर वाला है, ये एन स्क्वायर वाला है, एक काम करते हैं, मैं यहां पर पूरे को एन स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं, पहले इसको जमा लो, एन स्क्वायर से मैंने डिवाइड किया तो क्या होगा, ये हो जाएगा एफ एन ए एल अपॉन एन स्क्वायर, फिर ये होगा एफ सी एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, है ना, हमको एन स्क्वायर से
मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है, मतलब दोनों साइड में एन स्क्वायर से डिवाइड कर देना है, इधर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है ना। एच ए एल स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस एच एल सी एन अपॉन एन स्क्वायर और जी बी एन एल अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है जी। अब क्या होगा देखो बेटा, यहां पर जो जो कैंसिल हो रहा है उसको काट दो, तो पहले यहां पर जो है एक एन से एक एन कट जाएगा, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कट जाएगा, यहां एन तो नहीं है, एक एन से एक एन कट जाएगा, एक एन से एक एन कट जाएगा। अब मेरे पास क्या बचा है, मेरे पास ये बचा है एच ए और ये होगा एल अपॉन एन का स्क्वायर, ओके। अब एल वाले कौन से देखो, एल अपॉन एन है, अब एल अपॉन एन वाले कौन से, ये लिखो यहां पर प्लस एफ ए एल अपॉन एन, मैं सिर्फ इसके अपॉन में लगा रहा हूं, प्लस एच सी एल अपॉन एन माइनस जी बी एन अपॉन एन, देखो ये वाला, ये देखो एन से एन कट गया, तो एफ ए एल अपॉन एन एफ, उसके बाद में एच ए एल एल स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इधर आ गया, ये एफ सी को हम आखिर में लिख लेंगे, ठीक है ना। मैंने कौन से लिखे ध्यान से देखो, जरा मैं अंडरलाइन लगा देता हूं, मैं जरा अंडरलाइन लगा देता हूं, पहला वाला एच ए एल एम स्क्वायर, तो मैंने ये लिख दिया एफ ए एल एम एफ ए एल एम एफ ए एल अपॉन एन, तो ये लिख दिया मैंने, फिर एच सी एल अपॉन एन, तो एच सी एच सी एच सी एल अपॉन एन, तो ये भी लिख दिया मैंने, ठीक है। फिर क्या है बेटा, फिर जी बी एल अपॉन एन, तो ये भी लिख दिया मैंने, ये वाला। अब क्या बचता है, अब सिर्फ ये वाला बचता है, दैट इज व्हाट एफ सी प्लस का एफ सी इज इक्वल टू जीरो। अब देखते हैं, ठीक है, अब देखते हैं क्या होगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन जाएगा ये, पर है सिंपल बेटा। देखो यहां पर इसको मैं लिखू कि एच ए एल अपॉन एन का स्क्वायर प्लस, ये क्या हो जाएगा, ये होगा एफ ए प्लस एच सी माइनस जी बी एल अपॉन एन प्लस एफ सी इज इक्वल टू जीरो। अब देखो बेटा थोड़ा सा इसको समझना है, ये जो पार्ट हमारे पास आया है ये क्या है, देखा जाए तो अगर मैं इसको एक वेरिएबल के तरह ट्रीट करूं तो ये इसका स्क्वायर है और ये एक बार है, मतलब आप जानते हैं कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो मेरे पास यहां पर एक्स के दो वैल्यू होती है, यहां मेरे पास एक्स की दो वैल्यू है ना, तो इसलिए तो हम बोलते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो रूट्स होती है, दो वैल्यूज होती है, तो यहां पर एल अपॉन एन की दो वैल्यूज होगी, इस यहां पर भी क्या होगा एल अपॉन एन की दो वैल्यूज होगी, ठीक है। अब हम उन दो वैल्यूज के ऊपर काम करते हैं, ठीक है, पहले काम करो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं अगले पेज पे लेके चलता हूं। अब देखिए दोस्तों मैंने इसको थोड़ा सा रियलाइज कर लिया, आप देखिए थोड़ा छोटा छोटा दिख रहा है, ठीक है, स्क्रीनशॉट जब लेंगे आप तो बराबर आ जाएगा। अब मैं आपको क्या कर रहा था कि देखिए यहां पर अगर ध्यान से देखते हैं ना, तो ये क्या है भाई, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो यहां एल अपॉन एम का स्क्वायर है, एल अपॉन एन का स्क्वायर है और यहां एल अपॉन एन है, और ये एक उस तरह से देखा जाए तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके दो रूट्स होते हैं, है ना, एक्स वन एक्स टू बोलिए, अल्फा बीटा बोलिए, ठीक है। तो यहां पर है ना, यहां पर भी आपको लिखना है द अबो इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द अबो इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और बेटा अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसके दो वैल्यूज होंगे, एक तो हो सकता है कि L1 N1 एक वैल्यू हो जाए और L1 L2 एक वैल्यू हो जाए, तो L1 L1 अपॉन N1 एंड L2 अपॉन N2 बी टू रूट्स, सपोज कर लो कि इसकी दो रूट्स है। अच्छा हमने एक चीज सीखी थी, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स हमने क्या सीखा था, प्रोडक्ट ऑफ रूट सॉरी अल्फा इंटू बीटा हम जब लिखते थे तो वो क्या होता था, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा हमारा देखो क्या होता था, अल्फा इंटू बीटा हमारा होता था सी अपॉन ए, है ना, सी अपॉन ए, और अल्फा प्लस बीटा क्या होता था तो माइनस बी अपॉन ए, तो हमको अभी माइनस बी अपॉन ए से कोई काम नहीं, हमको सी अपॉन ए से हम काम कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां लिखिए कि एल वन इंटू, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, एल वन अपॉन एन वन इंटू एल टू अपॉन एन टू इज इक्वल टू सी, मतलब एफ सी अपॉन में ए, मतलब एच ए। अच्छा एक चीज इसमें बताता हूं आपको, मैं एक चीज बता दू, देखो ये जब क्वेश्चन हमने बनाया तो मैंने क्या कहा था आपको कि आप एन की वैल्यू निकाल सकते हो, एम की निकाल सकते हो, एल की निकाल सकते हो, मैंने यहां एम की वैल्यू निकाली, देखो ध्यान से देखना, मैंने यहां एम की वैल्यू निकाली,
अगर मैं यहां m की वैल्यू नहीं निकालता और मैं n की वैल्यू निकालता, अगर मैं यहां पर n की वैल्यू निकालता तो ये इक्वेशन जो है ना हमारी l अपॉन m के फॉर्म में आती। अभी ये l अपॉन n के फॉर्म में आई, बात ध्यान रखना। तो ये एक वैल्यू होगी। अच्छा, हमको क्या लाना है? हमको लाना है f अपॉन a। यहां f अपॉन a हो रहा है क्या? देखो तो जरा, यहां पर f अपॉन a हो रहा है। जी नहीं, वैसा नहीं हो रहा। अब हमको इसको रीअरेंज करना पड़ेगा, हमको इसको रीअरेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर हमको, मतलब हम जो कह रहे हैं कि इसको जो रीअरेंज करना, तो क्या हम इसको इस फॉर्मेट में रीअरेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखो जरा, मैं इसका मल्टीप्लाई करता हूं। किसका? एल वन एल टू का। तो हो जाएगा एल वन एल टू अपॉन में एन वन एन टू, एन वन एन टू। अच्छा, क्या देख रखा है? एफ अपॉन ए देख रखे हैं। एफ अपॉन ए तो दिख रहा है मुझे, और फिर क्या है? जी अपॉन बी भी, एच अपॉन सी भी। एच अपॉन सी दिख रहा है क्या? दिख रहा है। एक काम करते हैं, नीचे ऊपर पहले हम सी से डिवाइड करते हैं। तो ऊपर क्या आ जाएगा? देखो, नीचे ऊपर सी से डिवाइड किया तो क्या हो? एफ अपॉन सी अपॉन सी अपॉन में एच अपॉन ए अपॉन सी। बात जम रही क्या? देखो, इसको भी सी से डिवाइड किया, इसको भी सी से डिवाइड किया। तो ये क्या आ रहा? देखो जरा ध्यान से क्या आएगा। देखो यहां पर ये सी से सी कट गया, ठीक है, ये सी से सी कट गया, तो यहां वन आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एल वन एल टू अपॉन एन वन एन टू इज इक्वल टू एफ अपॉन, एफ के अपॉन में क्या दिया इसने? ए दिया है। तो क्या मैं ऐसा लिख दू इसके अपॉन में? एक काम करो ना, एक काम करो, मैंने जो डिवाइड जिससे किया ना उसको चेंज करते हैं, वैसा नहीं लेके काम करते हैं। हम सी से डिवाइड नहीं करते, हम क्या करते हैं? हम ए सी से डिवाइड करते हैं, हम ए सी से डिवाइड करते हैं, इसको भी और एच ए को भी ए सी से डिवाइड करते हैं, है ना, हमारा काम हो जाएगा। देखो हम ए सी से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, है ना? देखो क्या होगा इसमें, अगर हम इसको डिवाइड कर ले तो, लोग बहुत फोन करते हैं यार, कितने लोग फोन उठाएंगे ये सी से सी काट दो और ये ए से ए काट दो। देखो क्या आया, ये आया एल वन एल टू और ये हो गया एन वन एन टू इज इक्वल टू एफ अपॉन ए और एच अपॉन सी। देखो तो एफ अपॉन ये है और एच अपॉन सी है। अब एक काम करते हैं, इसको यहां ले आओ, इसको यहां ले आओ, तो यहां एक वैल्यू आएगी हमारे पास में। यहां क्या होगा? एक वैल्यू आएगी, ध्यान से देखना बेटा, बस ये थोड़ा सा अरेंजमेंट ही से मेन है। यहां आएगा एल वन एल टू अपॉन एफ अपॉन ए इज इक्वल टू, यह आएगा एन वन एन टू अपॉन एच अपॉन सी। इसको नंबर वन दे दो। अब आपको पता क्या करना पड़ेगा? अब आपने जिसे लाया एल वन अपॉन एल वन एल टू लाया और ये लाया, अब आपको एल वन एल टू एम के फॉर्म में भी लाना है। मतलब आपने यहां एम की वैल्यू लिखी, आपने यहां पर m की वैल्यू लिखी थी तो ये इसके फॉर्म में आया। अब आपको n की वैल्यू लिखना है, तो फिर अगला वाला आएगा। अगला वाला क्या आएगा? सॉल्व करेंगे, इतना पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहां लिखिए सिमिलरली, यहां लिखिए सिमिलरली, हमने जो क्वेश्चन किया है उसके दो चीजें मेरे पास आ चुकी है, ये पार्ट मेरे पास आ चुका है और ये पार्ट भी आ चुका है। मेरे पास एक पार्ट क्या बचेगा? जी अपॉन बी। तो जी अपॉन बी लाने के लिए क्या करोगे? यहां लिखो ये वाला पार्ट ऐसा कैसे, सिमिलरली वी कैन फाइंड क्या, एल वन एल टू अपॉन एफ अपॉन ए इज इक्वल टू एम वन एम टू अपॉन, डायरेक्ट लिख लो जी अपॉन बी, जी अपॉन बी, ये हो जाएगा इक्वेशन टू। अब क्या करेंगे हम एक और दो को मिला देंगे, एक और दो को मिला देंगे, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा, एक और दो को मिलाने से हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा दैट इज, दिख रहा है यहां, दिख रहा है ये जगह नहीं बची है। तो एक काम करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया, हम अगले पेज पे चले जाते हैं, है ना। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, हम अगले पेज पे जाते हैं। थोड़ा सा बड़ा बन रहा है, एक ही पेज पर लिखना मुश्किल है, ठीक है। तो क्या लाया था हमने, हमने क्या लाया था? हमने लाया था एल वन एल टू अपॉन एम वन एम टू अपॉन एन वन एन टू अपॉन, क्या था? एक में था एफ अपॉन ए जी अपॉन बी और एच अपॉन सी, क्या था? एफ अपॉन ए, है ना, एफ अपॉन ए जी अपॉन बी और एच अपॉन सी। ये तीनों चीजें हमको मिल चुकी हैं। ये क्या मिल चुका है? हमको तीनों चीजें मिल चुकी हैं। अब एक काम करते हैं, है ना, यहां पर रुकना नहीं है, यहां पर रुकना नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि इन तीनों को के इक्वल सपोज कर लेते हैं,
हम इनको के इक्वल सपोज कर लेते, लेट्स से कि के इक्वल है, यहां लिख दो सपोज। यहां पर एक बात ध्यान रखिए कि आपका L1, L2, M1, M2 और N1, N2 के बीच में एक रिलेशन है, डायरेक्शन कोसाइन के बीच में, वो क्या है, L1, L2 + M1, M2 + N1, N2 = 0 के इक्वल है। अगर मैं यहां से वैल्यू निकालता हूं तो मेरी L1, L2 की वैल्यू क्या आएगी, मेरी L1, L2 की वैल्यू K के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा K इंटू एफ अपॉन है, M1, M2 की वैल्यू क्या आएगी, K इंटू जी अपॉन बी, और N1, N2 की वैल्यू क्या आएगी, K इंटू एच अपॉन सी, K से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा एफ अपॉन ए प्लस जी अपॉन बी प्लस जी अपॉन बी प्लस एच अपॉन सी इक्वल्स टू 0। बस भैया हो गया ये, है ना, देखा जाए तो 3 लाइन पीछे लिख रही है ना, देखा जाए तो ये आपने किया, ठीक है, ये आपने किया। यहां तक करने के बाद में आपने इन दोनों को मिला दिया तो आपको L1 L2 अपॉन एच एफ अपॉन M1 M2 के अपॉन में जी अपॉन बी मिला और N1 N2 के अपॉन में एच अपॉन सी मिला, इसको हमने के इक्वल सपोज कर लिया और ये मेन रिलेशन है डायरेक्शन कोसाइंस का, है ना। तो अगर ये कंडीशन आती है तो हम इसको डायरेक्ट यहां पर वैल्यू पुट करेंगे एंड दैट्स इट, ये हम आंसर पे पहुंच गए, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एक काम करता हूं इसको भी कर देता हूं, इससे पहले इसका ले लो, ठीक है, और अब जो है इसका ले लो। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 18 है। ये बोलता है इफ ए एंड बी आर टू पॉइंट, ए और बी दो पॉइंट है, ओके, then find the foot of the perpendicular from the point B to the line joining the origin and point A। अच्छा, मतलब आपको क्या बोल के रखा है कि foot of perpendicular निकालना है, B से perpendicular आप डाल रहे हैं O और A के ऊपर, तो देखा जाए तो कितने पॉइंट है, पहला पॉइंट यहां पर क्या है, थोड़ा देख लो, पहला पॉइंट क्या है, एक मैं लाइन ऐसी खींच लेता हूं, एक लाइन में ऐसी खींच लेता हूं, ठीक है ना, और यहां पर हम जरा इसका नामकरण संस्कार कर देते हैं, ये ओरिजिन है, ये ए है और ये हमारा बी है। ए के कोऑर्डिनेट हमको देके रखे हैं 1, 2, 3, बी के कोऑर्डिनेट देके रखे हैं 4, 5, 6, ठीक है, हमको ओरिजिन से लाइन ज्वाइन करके रखी है तो 0, 0, 0 होगा डेफिनेटली, और ये एक पॉइंट है, ये एक यहां पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का बोला है तो इसको हम पी को नाम दे दो, पी के कोऑर्डिनेट एक्स वाई और जेड निकाल लो। देखो बेटा हमें ये बोला है फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ओके, देखो फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट बी, पॉइंट बी से जो परपेंडिकुलर आप डाल रहे हो, टू द लाइन ज्वाइनिंग, टू द लाइन ज्वाइनिंग ओरिजिन, मतलब ओ ओरिजिन एंड पॉइंट ए, ओरिजिन और पॉइंट ए को ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है। अब हमको ये पता है क्या कि पी जो है ये इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, नहीं पता है, तभी तो हम एक्स वाई जेड निकालेंगे। तो पहले काम करते हैं, हमको डिसाइड कर लेते हैं, जनरली हम क्या डिसाइड करते हैं, हम डिसाइड करते हैं कि एम इस टू एन में डिवाइड करता है, ठीक है, तो यहां लिखिए सपोज पॉइंट पी डिवाइड्स ओए इन एम इज टू 1, ओके, तो एक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स का कोऑर्डिनेट होगा एम एक्स टू प्लस एन एक्स 1 अपॉन एम प्लस एन, वाई का कोऑर्डिनेट क्या होगा एम वाई 2 प्लस एन वाई 1 अपॉन एम प्लस एन, और जेड का कोऑर्डिनेट क्या होगा एम जेड 2 एन जेड 1 अपॉन एम प्लस एन, ठीक है जी। अब क्या करते हैं इसको, इसमें अगला काम करते हैं, अगला काम क्या है, वैल्यू पुट कर दो x, देखो हमको x1 y1 z1 नहीं मिला है, इसको नाम दे दो, ये होगा x1 y1 z1, ये होगा x2 y2 और z2, ठीक है ना, तभी तो हम इसको निकालेंगे। तो x का x, m की जगह m रखो, x2 की जगह 1 आ जाएगा, n x1 की जगह 0 आएगा अपॉन m प्लस 1, y क्या होगा, ये भी m की जगह m, यहां पर y2 की जगह 2 आ जाएगा, n की जगह n मत लिखो 1 लिखो, यहां 1 लिखो बेटा ना, यहां क्या आना चाहिए, यहां पर 1 आना चाहिए, यहां 1 आना चाहिए, 1 × 0, ठीक है। अब यहां क्या होगा, 1 × 0 होगा ना, क्योंकि m इज टू 1 है ना, ये 1 जो है ये n का काम कर रहा है यहां पर, तो 1 × 0 अपॉन m प्लस 1, और z का वैल्यू क्या होगा,
दैट इज एम जेड टू, जेड टू तीन है, एन की जगह एक्स जेड वन की जगह अगेन जीरो और एम प्लस वन। तो देखा जाए तो एक्स वाई जेड यहां पर क्या होगा, यहां एक्स हो गया एम अपॉन एम प्लस वन, वाई हो गया टू एम अपॉन एम प्लस वन और जेड हो गया थ्री एम अपॉन एम प्लस वन। तो एक काम तो यहां हमारा हो गया कि हमने यहां पर इसकी वैल्यूज निकाल ली, लेकिन ये एग्जैक्टली वैल्यूज आई है क्या? जी नहीं, ये m और n के फॉर्म में आई है। हमको अब इसको निकालना है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, है ना, हम इसको कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए काम करता हूं मैं, थोड़ा यहां पर मेरी जगह कर लेता हूं पहले, ठीक है। देखो अब क्या हुआ, मैंने यहां पर सारा शिफ्ट कर दिया है और डायग्राम भी यहां लिखा है। अभी क्या हो गया, हमने यहां पर सिर्फ और सिर्फ हमारे क्या कहते हैं एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकाली इन टर्म्स ऑफ एम। हमको ये वैल्यूज निकालनी है, अभी हमको क्या करना है, हमको डायरेक्शन रेशियोज निकालना है बी एम के, बीपी के, और डायरेक्शन रेशियोज निकालना है एओ के। तो डायरेक्शन रेशियोज हम कैसे निकालते हैं, उसके लिए यहां लिखिए दैट इज डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बीपी। तो बीपी का डायरेक्शन रेशियो निकालना है तो एक्स में से फोर को माइनस करना पड़ेगा, फिर वाई में से फाइव को माइनस करना पड़ेगा और जेड में से सिक्स को माइनस करना पड़ेगा। एक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा, यहां पर एक्स के कोऑर्डिनेट्स है एम अपॉन एम प्लस वन, एम अपॉन एम प्लस वन माइनस फोर, ये होगा टू एम, वाई जो है टू एम है, टू एम अपॉन एम प्लस वन माइनस फाइव, और ये है थ्री एम अपॉन एम प्लस वन माइनस सिक्स। इसका यहां और इसका यहां मल्टीप्लाई करो तो m माइनस फोर एम प्लस वन अपॉन एम प्लस वन, टू एम माइनस फाइव एम प्लस वन अपॉन एम प्लस वन, थ्री एम माइनस सिक्स एम प्लस वन अपॉन एम प्लस वन। इतना कर लिया, देखो बड़ा सिंपल है। एक्स वाई जेड की वैल्यू हमने डायरेक्शन रेशियो निकाल लिया, हम क्या करेंगे इसके डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, इसके डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे और हम कर देंगे L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 is equal to zero, है ना, बुला के बता देंगे, उससे सॉल्व हो जाएगा, है ना, उससे हमारी वैल्यूज आ जाएगी, ठीक है, क्या कहते हैं M की, और M की वैल्यू आ जाएगी तो फिर क्या करेंगे हम यहां पुट कर देंगे तो ये पॉइंट्स आ जाएंगे हमारे एक्स वाई जेड, ठीक है। चलो यहां वैल्यू पुट करने के बाद सॉल्व करते हैं, एम माइनस फोर एम माइनस फोर अपॉन एम प्लस वन, तो एम में से फोर एम गया तो माइनस थ्री एम माइनस फोर अपॉन एम प्लस वन, ठीक है, ये पहला पार्ट हो गया। फिर ये हो जाएगा 2m माइनस फाइव एम माइनस फाइव अपॉन एम प्लस वन माइनस थ्री एम माइनस फाइव अपॉन एम प्लस वन, उसके बाद में 3m माइनस सिक्स एम माइनस सिक्स अपॉन एम प्लस वन और माइनस थ्री एम माइनस सिक्स अपॉन एम प्लस वन। हो गया, ये पूरा पार्ट हो गया हमारा। हमने किसके रेशियो निकाले, डायरेक्शन रेशियोज बीपी के निकाल लिए, ठीक है ना, हमने डायरेक्शन रेशियोज बीपी के निकाल लिए, ठीक है। मैं इसको भी थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं, डायरेक्शन रेशियोज अब मैं निकालता हूं, इसके बाद में थोड़ा राइटिंग जो है ना हमारी, अब इसके बाद में डायरेक्शन रेशियोज मैं किसके निकालता हूं, मैंने बीपी के डायरेक्शन रेशियोज निकाल लिया, मैं ओए के डायरेक्शन रेशियोज निकालता हूं। लिखो यहां पर, यहां लिखते हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओए, तो ओए के तो सिंपल हो जाएगा वन माइनस जीरो, टू माइनस जीरो, थ्री माइनस जीरो, तो ये वन टू एंड थ्री आ जाएगा। देखो भाई मेरे पास में इसके डायरेक्शन रेशियो, इसके डायरेक्शन रेशियोज है। हमने क्या सीखा है, हमने क्या सीखा है, हमने ये सीखा है कि अगर इनके डायरेक्शन रेशियोज को हम मल्टीप्लाई कर दे, इनको इनको और इनको एड कर दे तो हमको मिलेगा जीरो, है ना, एल वन एल टू प्लस एम वन एम टू प्लस एन वन एन टू इज इक्वल टू जीरो। तो यहां वैल्यू पुट करो, यहां लिखो L1 L2 M1 M2 एंड N1 N2 इज इक्वल टू जीरो, तो ये होगा माइनस थ्री एम माइनस फोर अपॉन एम प्लस वन इंटू वन, ठीक है, प्लस ये M2 का पहले टू लिख लेते हैं और ये क्या आएगा माइनस थ्री एम
माइनस फाइव अपॉन एम प्लस वन प्लस थ्री, और ये क्या आएगा माइनस थ्री एम माइनस सिक्स अपॉन एम प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। देखो बेटा ये इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई, जीरो के इक्वल लिख लिया। अब क्या करेंगे, देखो सबके अपॉन में एम प्लस वन है तो एम प्लस वन तो हटाई दो और सारे माइनस को हटा दो, तो ये आएगा थ्री एम प्लस फोर, दो का अंदर मल्टीप्लाई करो सिक्स एम प्लस टेन, तीन का अंदर मल्टीप्लाई करो नाइन एम प्लस एटीन इज इक्वल टू जीरो, तो तीन और छह और नौ, नौ दूरी अठारह एम हो गया प्लस ये अट्ठावीस और चार बत्तीस हो गया इज इक्वल टू जीरो, तो अठारह एम हमारा क्या हो गया माइनस थर्टी टू, तो एम हमारा क्या हो गया माइनस थर्टी टू अपॉन एटीन, तो दैट इज माइनस सिक्सटीन अपॉन नाइन। ये हमारी एम की वैल्यू क्या हो गई माइनस सिक्सटीन अपॉन नाइन हो गई। हमको क्या निकालना बेटा, हमको निकालना है एक्स वाई जेड की वैल्यू। एक काम करो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको फिर से रीअरेंज करता हूं थोड़ा सा। देखिए मैंने थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया है इस पार्ट को, एक काम करते हैं मैं इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूं, यहां पर हमारी वैल्यूज निकल जाएगी है ना, इस पूरे पार्ट में हमारी इतने में वैल्यूज निकल जाएगी। अब देखो यहां पर हमको इस पी की वैल्यू निकालनी है एक्स वाई जेड की, ठीक है। यहां पर देखो हमने डायरेक्शन रेशियो ऑफ बीपी निकाल लिया था, यहां पर एम मैंने गलती से एन लिख दिया है, ये एक्चुअली एन नहीं है, ये यहां पर एम आएगा ठीक है ना, क्योंकि एम नहीं वन आएगा, एम प्लस वन है ना सबके अपॉन में है ना, तो इसको सही कर लो। अब यहां पर जो है, यहां पर जो है इसको हमको पी को निकालना, तो एक्स के कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स के कोऑर्डिनेट है दैट इज एम अपॉन एम प्लस वन, तो एम अपॉन एम प्लस वन, तो एम हो गया सोलह अपॉन नौ और माइनस सोलह अपॉन नौ प्लस वन, तो ये क्या हो जाएगा माइनस सोलह अपॉन नौ, ये माइनस सिक्सटीन का सिक्सटीन, नाइन वन जा नाइन और ये नाइन, नाइन से नाइन कट गया तो माइनस सोलह और सोलह में से नौ हो गया तो माइनस का सात, तो सोलह अपॉन सात आया ठीक है, ये सोलह अपॉन सात आया, इसको डबल कर दो अगले वाले को है ना, इसका क्या होगा ये टू एम है तो एक्स वाई क्या हो जाएगा ये बत्तीस अपॉन सात होगा और जेड क्या हो जाएगा उसका तीन गुना कर दो सोलती अड़तालीस अपॉन सात है ना, जेड क्या हो जाएगा अड़तालीस अपॉन सात, ऐसे करना बेटा इसको बहुत सिंपल है ठीक है। चलो एक काम करो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों यहां पर हमारा वेक्टर का एक्सरसाइज 5.4 कंप्लीट होता है, आप जान सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि मैं पिछले कुछ दिनों से मुंबई आ रहा हूं जा रहा हूं आ रहा हूं जा रहा हूं, इसके कारण मेरा सारा काम बंद पड़ा है, कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी ठीक है, आप समझ सकते हैं इस चीज को, और उसी के कारण थोड़ा डिले हुआ है ठीक है। अभी तो मैं घर पर ही हूं, आपको प्रॉब्लम नहीं है, रोज आपको वीडियो मिलते रहेगा। और अभी आपको एक और बात बता दूं, मैं एग्जाम का भी कोई ठिकाना नहीं है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एग्जाम अप्रैल में होगी, मैं पर्सनली फील कर रहा हूं, क्योंकि जिस तरह से अभी फिर से सब जगह लॉकडाउन लग रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें इफेक्ट आएगा आएगा ठीक है। चलिए फिर भी आप पढ़ाई शुरू रखिए, पढ़ाई बंद मत रखिए, जब भी एग्जाम हो हम पूरी तरह से तैयार रहेंगे ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।